अंदर है ना, देखो मुझे माफ करना, मुझे कुछ कुछ शॉट्स काटने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम ब्लडी हेल्थ, ब्लडी हेल्थ काटने पड़ेंगे मुझे। हाँ भैया, तब ये प्रैक्टिस वैक्टिस हो गई हो तो चले राइड पे। वैसे भी आप हर बार की तरह आधे घंटे तो लेट हुई हो, तो एट दिस मोमेंट अंकल जी प्रूव्ड दैट बेटा योर स्वैग इज टेम्पररी बट माइन इज परमानेंट। सो चिल एंड enjoy your ride. आजी भैया, तो हम आए थे इधर कैलाना, पहले मीटअप पॉइंट रखा था चिल्ड्रंस पार्क पे, और आज जैसे कि हमारे पास बाइक नहीं है तो वी आर इन दिस कार जो मेरे फ्रेंड की है वेन्यू, और बस और बाहर आ रही है बारिश, वो सभी देखो वो सब मजे कर रहे हैं एंड आई एम सिटिंग ओवर हियर मेकिंग अ व्लॉग बिकॉज बारिश में फ़ोन ख़राब हो जाता है शायद, ऐसा लगता है मुझे। दैट्स इट। हेलो, माइक स्पीकिंग, सॉरी मी स्पीकिंग। हाँ जी भैया, तो ये कुछ 3 महीने बाद हमारी राइड हुई है एंड दिस इज और ये राइड बहुत ही अच्छी टर्न हो रही है बिकॉज टर्निंग आउट टू बी अ गुड राइड। और मेरा माइक थोड़ा सा क्या है कि आवाज़ कैच नहीं कर रहा, इधर उधर से मैंने बिल्कुल इसको मेरे बियर्ड में स्टक कर लिया एंड इट्स आपको पता चल रहा होगा बहुत शानदार आवाज आ रही है। जस्ट फील द वेदर मैन, फील इट। आए थे हम यहाँ पहाड़ियों के बीच, हमारे सारे बंदे तो आउट ऑफ रीच के, आउट ऑफ साइट हो गए हैं, दिख ही नहीं रहे कहीं पर। ये गाड़ी का बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो शायद आई थिंक अपनी राइड पूरी कर करके घर पर भी पहुँच गए होंगे एंड दे आर स्टिल जगलिंग ओवर हियर। ये लोकेश भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ये माइक्रोफोन का आइडिया देने के लिए बिकॉज ये बहुत ही अहम आराम से भूमिका निभाएगा व्लॉग में। चेक आउट द गेम्स मैन। जस्ट फील इट मैन। आज भूजा को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन भूजा इन दिस लाइनअप एंड आई एम मिसिंग इट सो मच। और भाई देखो हवा तेज है, मुझे पकड़ के रखना। देखो यार, देखो पांडे भाई को तो अभी तक ब्लॉगिंग कैसे करते हैं याद है, मैं तो भूल चुका हूँ, तो कोई मुझे सिखा सकता है तो सिखा दो, मैं तो ब्लॉगिंग करनी भूल गया हूँ भाई लोग। Thank you.
लेट कर रहे हो। दूर दूर रहो, दूर रहो। तो यहाँ की जनता को हमारा स्वैग दिखाने के बाद हम निकल गए जाहिद भाई के फार्म हाउस। देखो ये सब लोग तो निकल गए, बट अभी आपके भाई ने अभी तक इंट्रो दिया नहीं है, तो भाई आपका इंट्रो दे देता है तो अच्छा लगेगा। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ब्रदर्स यूट्यूब चैनल रुशिद राइडर एंड आई एम योर फ्रेंड रुशिद। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली फाइन। सो इतना जोर से मैंने कभी भी इंट्रो नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम मैं चिल्ला चिल्ला के इंट्रो दे रहा हूँ एंड आई एम एंजॉइंग। शिमर भाई एक फोटो तो ले लो, मैं इधर आया भाई हूँ तो ले लो तो अच्छा है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। हाजी भैया, तो आपका भाई ना मतलब आराम से दूर होकर वापस गाड़ी के अंदर आके बैठ गया है, और इसके कुछ कारण है, मेनली दो कारण है। एक तो वो है कि बाहर वो चला रहे हैं अपने बोट के म्यूज़िक सिस्टम के अंदर गाने, जिससे कि कॉपीराइट आने का बहुत ही बड़ा रिस्क है, और जो दूसरी चीज़ है वो है कि बाहर लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा भी लोग हो गए कि यार। तो दिस इज इट, ये दो रीज़न है कि मैं अंदर आके वीडियो बना रहा हूँ। और तो हम ही आए थे जाहिद भाई के फार्म हाउस, और सीन्स कुछ आप चेक कर लीजिए। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं आज बाइक का फील भी लेना चाहता हूँ, और कार है तो वो मजबूरी है, तो मैं ये हेलमेट पहन के कार चलाऊंगा एंड बस यही सीन है। दैट्स इट। अंदर है ना सीटें और ये रहा पाली रोड तो आ गया। अभी भी सीधा लेना है चौराहे से भी।
फंस जाते हैं कार के अंदर, बाइक वाले निकल जाते हैं, हम पड़े रह जाते हैं। अभी तो थोड़ा आगे जाते हैं ना, लेफ्ट के आ गया, लेफ्ट का इंडिकेटर दे दूं, राइट का, हाँ सॉरी राइट का, अल्ले बंद हुआ, उनको फोन करो। हाँ जी भैया, तो अब इतनी देर हेलमेट पहन के गाड़ी चलाने के बाद में आपके भाई को बहुत थकान हो गई है, तो आप कुछ खाने पीने हैं? दाल पकवान, तो आपके भाई अब दाल पकवान खाएंगे अपने पूरे आवाम के साथ। देखो मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ कुछ शॉट्स काटने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम ब्लडी हेल्थ काटने पड़ेंगे मुझे कुछ। नहीं, ये सोने का चम्मच दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये सोने का चम्मच दिया हमने कड़ी के छुरी के साथ में। हाँ जी भैया, तो ये जो मैं हेलमेट पहन के जो गाड़ी चला रहा था ना, इसके बड़े ही आला रिएक्शन थे। आला एक उर्दू वर्ड है जिसका हिंदी होता है मतलब शानदार, बहुत ही अलग या तगड़े रिएक्शन थे। एक बच्चा तो लिटरली चिल्ला के बोल रहा था, ओए वो देख हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा है वो। It was a great day, a great ride and a great drive as well. और जो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना था, that was the best part. So, yeah, this is it. This is an unfortunate end to this vlog because यार जब भी क्या है कि मुझे, मैं जब भी राइड पे जाता हूँ तो मुझे 11 बजे से पहले I have to get back to my restaurant. तो जैसे ही घड़ी में 11 बजने लगती है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं व्लॉग भूल जाता हूँ, मैं आई जस्ट रश टू माई रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस अनफॉर्चुनेट एंड टू दिस व्लॉग। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग, तब तक लिए ठाड़ा बाबा, सी यू शब्बा खैर।